प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने एक ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये ऐतिहासिक परिवर्तन में आपका है नौसेना ध्वज में परिवर्तन। और इस नौसेना ध्वज में परिवर्तन जो किया गया, ये आपका 2 सितंबर 2022 को किया गया है। 2 सितंबर 2022 को ये क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। अब इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि ये जो नौसेना के ध्वज में जो परिवर्तन किया गया है, वो पहले इस ध्वज का प्रारूप क्या था। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भारतीय नेवी के झंडे के बदलाव का क्रम। और इस भारतीय नेवी के झंडे के बदलाव का जो क्रम है, वो आपका सबसे पहले 1950 में जो ध्वज की आकृति हुआ करती थी, 1950 के पूर्व मान लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए 1950 के पूर्व। तो 1950 के पहले जो नौसेना के ध्वज की आकृति थी, वो आपका ये आकृति बनी हुई है। और इस आकृति में आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्रॉस का निशान और ये ब्रिटिश एम्पायर का झंडा लगा हुआ है। तो इस तरीके से 1950 के पहले नौसेना के ध्वज का प्रारूप ये था, 1950 के पहले ये पोजीशन थी। उसके बाद से जब भारत गणतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तब उसके बाद से भारत के नौसेना के झंडे का प्रारूप इस तरीके से रख दिया गया। और इस तरीके में आप देख रहे होंगे कि ये ब्रिटिश एम्पायर के झंडे के स्थान पर तिरंगे झंडे को स्थापित कर दिया गया है। और ये बीच में आपका अशोक स्तंभ का सिंबल लगा दिया गया है, जबकि आपका ब्रिटिश एम्पायर का जो क्रॉस है, वो क्रॉस बना रहा। अब आते हैं इसके बाद के स्टेप का, कि इसके बाद में पोजीशन क्या रही। तो इसके बाद में ध्वज में बदलाव किया गया, और वो बदलाव किस सन में किया गया, तो वो किया गया आपका सन 2001 में। और 2001 में आप देख रहे होंगे कि जो पहले आपका क्रॉस हुआ करता था, जो आपका पहले ये क्रॉस हुआ करता था, जो ब्रिटिश एम्पायर का द्योतक होता था, इस क्रॉस को इसमें 2001 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और 2001 में जब हटा दिया गया, तब ये कितने वर्षों तक बना रहा, तो 2001 में ये क्रॉस हटाया गया और ये बना रहा आपका 2004 ईस्वी तक। उसके बाद इस क्रॉस की जगह पे आपके ये नौसेना के सिंबल को रखा गया, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अशोक स्तंभ है। और उसके साथ साथ मराठा साम्राज्य के शासक हुआ करते थे शिवाजी, और उसी शिवाजी के राजमुद्रा को प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। अब ये आपका 2001 से लेकर के 2004 तक का हो गया। पुनः 2004 के बाद जो है, इस झंडे में पुनः परिवर्तन किया गया। और जब परिवर्तन किया गया, तो वो परिवर्तन किस टाइप का हो गया, तो आप देख रहे होंगे कि 2004 में पुनः तिरंगे के साथ क्रॉस को स्थापित कर दिया गया। और इस क्रॉस में बीच में आप देख रहे होंगे कि पुनः अशोक स्तंभ को स्थापित कर दिया गया। तो इसका कंडीशन ये है कि 2001 से लेकर के 3 वर्षों के लिए सिर्फ क्रॉस हटा, और हटने के बाद यहाँ पर ये नौसेना के सिंबल को स्थापित कर दिया गया। फिर 2004 के बाद ये जो 2001 वाली पोजीशन है, ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया था। और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस सिंबल को स्थापित कराया, तो इसकी काफ़ी आलोचना भी की गई थी। आलोचना इसलिए की गई थी कि ये जो कलर है, ये नीले कलर की पृष्ठभूमि पर बना हुआ था, तो लोगों ने ये कहा कि नीले समुद्र में नीला एक तरीके से अदृश्य हो जाएगा, इस वजह से इस कलर को चेंज किया जाना चाहिए। लेकिन कोई चेंजिंग नहीं हुई और 2004 तक ये सिंबल चलता रहा। उसके बाद 2004 के बाद पुनः इसमें क्रॉस स्थापित किया गया और इस सिंबल को यहाँ से हटा दिया गया। अब 2004 के बाद की स्थिति जानते हैं कि 2004 के बाद क्या हुआ। तो 2004 के बाद आप फिर देख रहे होंगे कि 2004 में ये क्रॉस आ गया है, जो कि हमने अभी पीछे बताया। और जब क्रॉस आ गया तो इस क्रॉस को कब तक मान्य किया गया था, तो ये 2014 तक यथावत रूप में बना रहा। और क्रॉस के साथ साथ आपका ये
अशोक स्तंभ का सिंबल आया, और इस सिंबल में नीचे छोटे अक्षरों में आपको दिख नहीं रहा होगा, और इस नीचे छोटे अक्षरों में सत्यमेव जयते शब्द को अंकित कर दिया गया, सत्यमेव जयते शब्द को अंकित कर दिया गया। अब जब सत्यमेव जयते शब्द को अंकित किया गया तो इस पे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरीके से 2014 में ये पोजीशन रखी गई। अब आते हैं आगे क्या हुआ इस ध्वज के बारे में परिवर्तन। तो फिर उसके बाद 2014 का हमने जो पीछे बताया उसी पीछे में आप देख रहे होंगे कि सेम कंडीशन है, केवल एक सत्यमेव जयते शब्द को 2014 में ऐड किया गया है। और 2014 में जो पोजीशन हुई थी ये केवल आपका अशोक स्तंभ हुआ करता था, और 2014 में यही अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते शब्द लिख दिया गया। तो इस तरीके से ये पोजीशन आपकी 2014 में बनी। अब आते हैं हम लोग आगे इसमें क्या चेंजिंग हुई। तो आगे चेंजिंग में ये है कि 2022 की जो स्थिति हुई तो 2022 में ये पोजीशन हुआ कि ये जो आपका है ये अशोक स्तंभ और क्रॉस, इस अशोक स्तंभ और इस क्रॉस को 2022 में नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को, 2 सितंबर 2022 को इसको क्या कर दिया, क्रॉस को हटा दिया। और जब क्रॉस को हटा दिया तो इस क्रॉस की जगह पे इस अष्टभुजीय चित्र का संकलन इन्होंने किया, और इस अष्टभुजीय चित्र में जो आप देख रहे होंगे इस गुलामी के क्रॉस को हटा करके अष्टभुजीय चित्र को स्थापित किया, और ये चित्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा को ध्वज के प्रतीक के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर अशोक स्तंभ बना है और जो नीचे का जो चित्र बना हुआ है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा को ध्वज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। और इसी राज मुद्रा के बीच में आपका नौसेना का आदर्श वाक्य सनह नो वरुण को अंकित किया गया है। तो वायु से नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका सनह नो वरुण, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, जो संस्कृत का एक बना हुआ शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हे समुंदर के देवता आप हमारे लिए शुभ हैं। तो इस तरीके से 2 सितंबर 2022 को ये नया हमारा नौसेना का ध्वज लॉन्च हुआ। अब आते हैं अगला, अब इसका प्रारूप देख लीजिए कि मेनली आपका इसी को आपको लेकर के चलना है कि यही आपका भारतीय नौसेना के ध्वज का वर्तमान रूप अंकित हो गया। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। इस नेवी के ध्वज के बदलाव का क्रम या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके सामने पूर्ण रूप से हमने प्रोड्यूस कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।